हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्मूदी की रेसिपी। एकदम हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। इससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने, स्मूदी बनाते हैं पहले। और इसके लिए 2 डेट्स चाहिए, ठीक है। सीड हटा लीजिएगा, कैश्यू मतलब काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और जो भी आप लेना चाहो ड्राई फ्रूट्स में ले सकते हैं। 1 बनाना मैंने चॉप करके लिया है, मतलब उसको कट कर लिया था छोटा छोटा। 1 टेबल स्पून हनी डाला है मैंने और अच्छे से इसको डाल के उसके बाद थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं, इसको थिक रखूंगी। अगर आपको थोड़ा लिक्विड ही रखना है तो आप दूध थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। ये मैंने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद डन, बस तैयार है बनाना स्मूदी। नाउ ओट्स स्मूदी, ठीक है, ओट्स बनाना स्मूदी बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ओट्स ले लिए हैं, 3 टेबल स्पून है ये। उनके ऊपर मैंने सिर्फ एक ही लिया है अभी, एक ही डेट लिया है। आप चाहो तो 2-3 ले सकते हो। और मैंने हल्का सा ना गुनगुना कर लिया था पानी को, उसको डाल दिया क्योंकि मैंने पहले भिगो के नहीं रखे थे। और ये मैंने काजू, पिस्ता, बादाम ये सब ले लिए थे और फिर ओट्स और बनाना सब डाल दिया इसमें। आप चाहो तो फ्लैक्स सीड्स हो आपके पास वो भी डाल सकते हो। मैं हनी डालना भूल गई तो मैं अब इसके बाद 1 चम्मच हनी डालूँगी, ठीक है। आप चाहो तो हनी स्किप कर सकते हो, अगर आप ना डालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो उसकी जगह डेट्स ही डाल सकते हो हनी की जगह, ठीक है। और थोड़ा सा थिक रखूँगी मैं क्योंकि मेरे को थिक पसंद है। आप चाहो थोड़ा सा लिक्विड ही रख सकते हो, तो इसमें दूध थोड़ा सा और डाल देना। और बस तैयार है ओट्स बनाना स्मूदी। और इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है काजू, ऊपर काजू डाल के। आप चाहो तो इसमें ऊपर किसी भी गार्निश कर सकते हो, पीनट्स डाल सकते हो, मतलब मूंगफली होती है ना उसको छोटा सा चॉप करके। बस तैयार है और एकदम हेल्दी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं आप और ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बना के ये हेल्दी ड्रिंक पी सके। थैंक यू।